स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एन मिश्रा ब्लॉग में। और आप सब लोग कैसे हैं? रात में 12 बजे हैं और हम इस समय गोवर्धन पहुंच चुके हैं। गोवर्धन की परिक्रमा करने जा रहे हैं। हाँ, मल्टीनेशनल पार्किंग में अपनी गाड़ी खड़ी कर दी है। अब हम लोग पैदल परिक्रमा के लिए निकल रहे हैं। पैदल परिक्रमा के लिए निकल रहे हैं और ये देखो सब लोग जा रहे हैं आगे हमारे साथ के। तो चलिए दोस्तों, आपको दिखाते हैं आगे पैदल परिक्रमा मार्ग। गोवर्धन महाराज की जय। ये देखिए गोवर्धन परिक्रमा पहुंच रहे हैं हम लोग और थोड़ा अंधेरा भी है और ठंड भी बहुत ज़्यादा है। नंगे पैर परिक्रमा कर रहे हैं दोस्तों। हेलो दोस्तों, ये देखिए हम लोगों की 4 किलोमीटर की परिक्रमा पूरी हो गई है। अभी बहुत बाकी है, 4 किलोमीटर की परिक्रमा पूरी अभी बाकी है। अभी हम लोग गोविंद कुंड आए हुए हैं। सामने बोर्ड में लिखा हुआ है गोविंद कुंड। और दोस्तों बहुत ठंड है। ये देखिए आरती मिश्रा, अभी नया नया टोपा खरीदा इनने। ठंडी लग रही थी, कान खुले थे, इसलिए अभी हम लोगों ने खरीदा। हमने इनका स्टॉल ओढ़ लिया है और सब लोग यहाँ रास्ते में आग जलाए हुए बैठे हैं। 4 किलोमीटर की, 4 किलोमीटर की बड़ी परिक्रमा कर रहे हैं हम लोग। पैदल ही परिक्रमा कर रहे हैं जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। बहुत ही मज़ा आ रहा है, आनंद आ रहा है गोवर्धन परिक्रमा करने में। बाके बिहारी की शरण में हैं इस समय हम लोग। इस समय रात के 1:30 बजे हुए हैं। चलिए दोस्तों आगे दिखाते हैं आपको। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए बिहारी जी की नगरी में, तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें दोस्तों हमारे चैनल को। लाइक करें, लाइट नहीं है तो अंधेरा भी हो रहा है, और प्यार दें। लाइट नहीं जल रही रास्ते में कहीं कहीं पे, तो अंधेरा हो रहा है दोस्तों। चलिए मिलते हैं फिर आगे की परिक्रमा मार्ग में। ये देखिए दोस्तों हम लोग आ गए गिरिराज जी नींबू शिकंजी। आने के गर्म अंधेरों ने तेरी आंसुओं में वो चमक बाकी ना रखी होगी जो कभी थी। अब हमको कहो जेल में तेरी ऐसी कैसी हो गई होगी। हेलो दोस्तों, अब हमने बड़ी परिक्रमा 12 किलोमीटर की पूरी कर ली है और ये हम लोग छोटी परिक्रमा शुरू कर दिए हैं। छोटी परिक्रमा चालू हो गई हमारी 9 किलोमीटर की। पैदल चल रहे हैं हम लोग। ये देखिए दोस्तों ये कहाँ आ गए हैं। ये थक गई हैं, ये देखो बैठी हैं, थक गई हैं, आराम कर रही हैं। और ये निखिल भाई बैठे हैं, इनको बहुत सर्दी लग रही है और ये अपना चेहरा नहीं दिखा रहे हैं। आ जाओ। ये छोटी परिक्रमा राधा कुंड कुसुम सरोवर वृंदावन। राधा कुंड 4 किलोमीटर है दोस्तों। भाई फिर ठंड लगने लगे। और तू गाड़ी देगी तो फिर मैं डंडा लेकर के तो तू कोठी के बगल हो जाना, मैं डंडा मारूंगा कोठी में और तू फिर रोना शुरू कर देगा और शायद उसकी समझ में आ जाएगी, वो सोचेगा कि अब तो यहाँ लड़ाई हो। दोस्तों छोटी परिक्रमा के राधा कुंड में हम लोग पहुंच चुके हैं। अब ये देखिए दोस्तों राधा कुंड है, ये राधा जी का कुंड। ये राधा जी और ये बैठी हैं राधिया जी, ये राधा जी और ये सब लोग बैठे हुए हैं परिक्रमा करके आए हुए, थक गए हैं थोड़ा।
तो थोड़ा पैरों को आराम दे रहे हैं। अब राधा कुंड के आगे की परिक्रमा अभी हम लोगों को करनी बाकी है। अब यहाँ से लगभग 5 किलोमीटर की परिक्रमा और शेष रह गई है। हो सकता है कि सुबह 6 बजे तक ये परिक्रमा हम पूरी कर लें, उसके बाद मानसी गंगा पहुँचते हैं, फिर मिलते हैं आपको आगे। दोस्तों हमारी छोटी परिक्रमा पूरी हो चुकी है, दोनों परिक्रमा हमारी पूरी हो गई है, छोटी और बड़ी। 21 किलोमीटर की। बोलो गिरिराज जी महाराज की जय। ये देखिए दोस्तों सुबह के दर्शन। अब दोस्तों आगे चलते हैं मानसी गंगा की तरफ। मानसी गंगा में स्नान करके प्रसाद चढ़ाएंगे, उसके बाद बिहारी जी के दर्शन करने जाएंगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।